अरहम के लिए मनाहिल का रिश्ता? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो उसके लिए राबिया का हाथ मांग रही है। क्या? क्या हुआ? क्या कहा आलिया ने? हमें देर होगी। रिफत आपा ने राबिया का हाथ मांग लिया। क्या? मेरी एक बहुत अच्छी जान पहचान वाली है, उसने एक रिश्ता बताया है अरहाम के लिए। अरहाम के लिए? कह रही थी बहुत अच्छा खानदान है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, तो मैंने सोचा कि बात करके देखते। अगर अरहाम तो राबे के बारे में कह रहा था ना। अरहाम को तो अच्छी तरह जानते हैं आप, बचपन ही से जिद्दी है। कोई खिलौना ले लेता था, फिर थोड़े दिनों बाद उससे दिल भर जाता था। लेकिन ये जिंदगी है, उसे संजीदगी से सोचना चाहिए और हमें माँ बाप होने की हैसियत से उसको समझाना पड़ेगा जिंदगी को संजीदगी से लेना। तुम्हें क्या लगता है, वो राबिया से रिश्ते के बजाय किसी और के लिए हाँ कर देगा? नहीं करेगा, मैं जानती हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं उससे ये कह दूँ कि तुम्हारी शादी राबिया से नहीं हो सकती। फिर? लेकिन उसे ये जरूर पता होना चाहिए कि जिंदगी कोई नई गाड़ी की तरह नहीं है, जो थोड़े दिन इस्तेमाल की, जी भर गया तो फेंक दी। शादी एक बहुत संजीदा चीज है, उसको लेकर चलना होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसको दो चार रिश्ते दिखाऊं, ताकि वो ऑप्शंस पे गौर करे और फिर फैसला करे। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा, उन्होंने खुद बात की आपसे? हाँ हाँ, तो और क्या, उन्होंने खुद बात की है मुझसे। और मैं भी सोच रही थी भला शायद भाई को मुझसे क्या काम हो सकता है। अच्छा, फिर क्या हुआ, आपने क्या जवाब दिया? मैंने क्या जवाब देना था, साफ साफ कह दिया कि राबिया और अरहम के रिश्ते की बात चल रही है। वरना वो तो चाह रहे थे कि अरहम और मनाहिल का रिश्ता हो जाए, और वो भी बात कौन करे, मैं। सोचो जरा। मगर अम्मी, रिफत मुमानी ने आपसे कोई बात की है इस बारे में? नहीं, क्यों? अरे अम्मी, आपको नहीं कहना चाहिए था ना, यहाँ पर तो किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं मालूम। आप एमी में खुश हो रही हैं। हाँ तो तुम किस दिन काम आओगी बेटा, जरा हाथ पैर चलाओ अपनी बहन के लिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुमानी जान के आगे किसी की चलती है जो मेरी चलेगी। अरे मैं कौन सा कह रही हूँ कि साफ साफ कह दो जाके, कुछ ऐसे हालात पैदा करो कि उन्हें खुद ही हमारे यहाँ आना पड़ जाए। क्या हुआ, डर गई क्या? नहीं, वो बात नहीं है। भाई थोड़ी हिम्मत दिखाओ, आखिर अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती हो तुम। और याद रखो कि इसमें तुम्हारा भी फायदा है, अगर तुम दोनों एक घर में रही तो तुम्हारी ही हुकूमत होगी। आई समझ? जी अम्मी, मैं कुछ सोचती हूँ। अच्छा चलो, खुदा हाफिज, और मेरी बात याद रखना। जी अम्मी, खुदा हाफिज। बात सुने, यहाँ आइए, पैसे जमा करने शुरू कर दें, क्योंकि मैंने फायजा से ज्यादा अच्छी शादी करनी है राबिया की। ठीक है। फाद बेटा। जी अम्मी। पायल है तो? अम्मी ये क्या करती हैं आप, एक लीटर तो दूध आता है घर में, उसमें से एक गिलास आप मुझे दे देती हैं। सारी उम्मीदें तुम्ही से तो हैं, तुम पढ़ लिख जाओ, किसी अच्छी नौकरी पे लग जाओ, अपनी बहनों की शादी करा दो, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे ना। इंशाल्लाह आएंगे, आप दुआ कीजिए मेरे लिए। दुआ तो मैं करती ही हूँ, लेकिन अच्छी खुराक भी तो जरूरी है, मैं जितना मुझसे हो सकता है करती हूँ। अच्छा पी लो ना, ठंडा हो रहा है दूध। जी। वो राहत, ट्यूशन के पैसे मिले? जी मिल गए, क्यों आपको चाहिए? नहीं, आप मैंने क्या करने, वो किसी से उधार लिया था ना घर में राशन डालने के लिए, वो लोग अपना उधार वापस मांग रहे हैं। आप लोगों से उधार मत लीजिए,
तो फिर कहां से करूं बेटा? तेरे अब्बा को तो अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं, अभी भी ऐसे सो रहे हैं जैसे सारी जिम्मेदारियां निभा ली हूं उन्होंने। अम्मी आप कब से कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें बदल तो नहीं सकी ना, तो अब क्या फायदा? बस इसीलिए तो दिन गिन गिन कर गुजार रही हूँ कि तुम किसी काबिल हो जाओ। अम्मी आपको पप्पो की तरफ कोई काम है? नहीं मेरा तो कोई काम नहीं, क्यों? वो मैं कल उस तरफ जाऊंगा तो सोचा अगर कोई काम है तो करता हुआ आ जाऊं। नहीं मेरा तो कोई ऐसा काम नहीं है, पप्पो से मिलने को दिल चाह रहा है तुम्हारा। जी अच्छा ठीक है, हो आना, फिर ज्यादा देर मत बैठना। ठीक है। क्या तुम? हाँ मैं। क्यों? मैं नहीं हो सकता क्या? अच्छा हुआ तुम ही हो, कोई और होता तो मेरे हाथों मर्डर हो चुका होता। मर्डर तो मेरा हो चुका है, आईना देखा है, क्या गजब की लगी। कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे? अच्छा चलो गाड़ी में बैठ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करता हुआ यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। फिर ड्रॉप करने आए हो? तुम्हें क्या लगता मैं तुम्हें सिर्फ ड्रॉप करके छोड़ दूं? आओ। पूछूं? पूछो। तुम शादी ईस्टर्न स्टाइल में करना चाहती हो या फिर वेस्टर्न? आई थिंक ईस्टर्न, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि मैं शादी के दिन शेरवानी पहनूं या फिर सूट, बारात जो है बग्गी में लेकर आऊं या फिर कार में। तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं सोच रहे? ये तो कुछ नहीं, मैंने तो आगे भी बहुत कुछ सोच लिया। हम शादी जो है ना नवंबर या दिसंबर में करेंगे, उस वक्त मौसम बहुत अच्छा होता है। अरहम अभी तो हमारा रिश्ता भी नहीं हुआ है और तुमने शादी का महीना अभी से डिसाइड कर लिया। रिश्ता क्या है, किसी दिन भी हो जाएगा। Are you sure मुमानी मान जाएंगी? मुमानी क्या, उनके हस्बैंड भी मानेंगे। फैज़ा मैं जा रहा हूँ, कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना। ऐसा क्या करूं कि वो मानी जान खुद ही इस रिश्ते के लिए राजी हो जाए? क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए मुझे? हाँ मुनाहिल, क्या हुआ अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा तुम तो जानती हो घर के खर्चे के खत्म होने का नाम नहीं लेते, और दूसरी तरफ तुम्हारे अबू
किसी तरह सुधरने को तैयार नहीं, परेशान नहीं हूं तो क्या करूं? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तुम्हें सच सच बताएं क्या बात है? क्या सच बताऊं? यही बात है और क्या? आपको पता है ना कि आप झूठ नहीं बोल सकते। कौन सा झूठ? घर के छोटे बड़े मसलों में आप इतनी परेशान नहीं होते जितनी आप आज दिखाई दे रही हैं। सच बताइए क्या बात है? मनाइल, तुम कितना मुझे जानती हो, कितना समझती हो। काश काश तुम्हारे अब्बू भी इसी तरह मुझे समझते। जो बात है आप वो बताओ। वो अरहाम का रिश्ता तय हो गया राबिया से। तो फिर क्या हुआ, इसने आप इतना परेशान क्यों हो रही? क्या वो मैं और तुम्हारे अब्बू चाहते थे कि वो लोग तुम्हारा रिश्ता लें। अस्सलाम वालेकुम फुफो। वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम? और घर में सब खैरियत है ना? फुफो सब खैरियत से हैं, आपकी दुआएं। और मनाइल क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। वो जिस काम से आया वो तो आपको बताने ही भूल गया। वो अम्मी कपड़ों का पूछ रही थी, हो गए? हाँ हाँ, कपड़े तो सिल चुके हैं, यही रखे थे, कहाँ गए? अंदर होंगे, अभी दे देती हूँ। तुम सिर्फ कपड़े लेने आए हो यहाँ? नहीं नहीं, करीब काम से आया था तो अम्मी ने कहा कपड़ों का पूछ लेना, तैयार हो तो ले लेना। चलो इसी बहाने तुम हमारे घर तो आए, खाने का वक्त हो गया, अब खाना खाए बगैर नहीं जाना यहाँ से। नहीं नहीं पापा, अभी बहुत देर हो रही है, किसी वक्त आराम से आऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं, कोई लेट वेट नहीं होते, अभी खाना लगवाती हूँ मैं। जा मना है बेटा, जाओ जाके खाना लगाओ। शाबाश, अब बैठो मेरे पास। रिफत आपा, अरहाम के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा तो बताओ। बहुत अमीर लोग हैं, पाकिस्तान और यूके में उनका बिजनेस है। अच्छा, और घर में कौन कौन है? ज्यादा लोग नहीं है, बस माँ बाप और एक बेटी है। और एक बेटा है जो यूके में बिजनेस संभालता है। रिश्ता तो अच्छा लग रहा है, लेकिन लड़की करती क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है? मास्टर्स किया हुआ है और किसी कॉलेज में पढ़ाती है। अच्छा चलो, तस्वीर दिखाना, अच्छा रिश्ता हो तो क्यों नहीं। मैं फिर बात करूंगी। हाँ खुदा हाफिज। मुमानी जान, मैं उठा लेती हूँ। हेलो, कौन? जी वो घर पर नहीं है, आप कौन? हेलो हेलो, काट दिया। कौन था? पता नहीं मुमानी जान, नाम नहीं बताया। वैसे जो भी थी अरहाम का पूछ रही थी। आवाज से मुझे मुनाहिल लग रही थी। मुनाहिल? जी मुमानी जान, मुझसे अरहाम का पूछा, मैंने बताया नहीं तो फोन काट दिया। मुमानी जान मैं जाऊं, वो फैजान रो रहा होगा ना। ठीक है तुम जाओ। बेटा ये प्लेटें जमा करो। शाबाश, हटाओ सब चीजें। पप्पो आपके हाथ के खाने का जायका तो मुझे याद है, आज का खाना आपने नहीं बनाया, सही कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। यकीनन आज का खाना मनाइल या इशल में से किसी एक ने बनाया है ना? अरे इशल तो घर के छोटे मोटे काम कर लेती है, खाना बनाना तो उसको आता ही नहीं, और खाना तो अक्सर मनाइल बनाती है। अब तो मैंने खाना बनाना ही छोड़ दिया है और आज भी इसी ने बनाया है। अरे वाह, वो मानना पड़ेगा, मनाइल ने तो जायके में आपको भी पीछे छोड़ दिया। हाँ तो क्या हुआ, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। माँ बाप की तो यही दुआ होती है कि बच्चे उनसे आगे जाएं। तो मनाइल अब आगे क्या इरादे? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। नहीं मतलब पढ़ाई के बाद क्या इरादे हैं, क्या सोचा है? नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा। बातों बातों में इतना वक्त निकल गया कि पता ही नहीं चला, अम्मी घर पे परेशान हो रही होंगी। मैं चलता हूँ, और खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा काम के अलावा भी जब फुर्सत मिले ना तो आ जाया करो हमारे पास, घर में रौनक लगी रहती है।
जी बबू, बिल्कुल कोशिश करूंगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा खुदा हाफिज। अम्मी को जरूर सलाम देना। जी चले। अल्लाह चले, प्लेटें तो जमा करो। ओए होए, अरे पास सुनो। हाय हाय, जिस चीज को लेने आया था वो ही भूल गया, फिर से चक्कर लगाना पड़ेगा बेचारे को। चलो कोई बात नहीं, रख ले। मनाइल बात सुनो। वो तो ठीक है, लेकिन ये सामान है किसके लिए? तुमने फिर से कहीं असलम के नाम पे खर्चा करना तो नहीं शुरू कर दिया? अरे नहीं अम्मी, ये इन्वेस्टमेंट है, राबिया के फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कि ये राबिया के लिए है? नहीं, अरहाम के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है या तुम मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश कर रही हो? देखिए, आप ये सारे गिफ्ट मनाहिल की तरफ से अरहाम के नाम कोरियर करवा दीजिए, फिर देखिएगा पापा को कैसे अपने बेटे की शादी की फिक्र नहीं होती। वाह भाई वाह, तुम तो बड़ी होशियार निकली। अपना दिमाग कब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? जब से आपके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। अच्छा, ज्यादा स्मार्ट ना बनो, ये बताओ कि अगर मनाहिल से किसी ने पूछ लिया तो? अम्मी एक बात बताएं, कोई चोर भी अपनी चोरी कबूल करता? अगर सच में मनाहिल ने ये गिफ्ट्स भिजवाए भी होते तो वो ये कभी नहीं मानती। वाह भाई, क्या जबरदस्त प्लानिंग है। राबिया भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे फाइजा, बताया क्यों नहीं पहले तुम आई हुई? अच्छा बेटा, पहले मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, फिर बात करना। चलो मैं आती हूँ अभी। थैंक यू। अम्मी फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? राबिया का रिश्ता मांगने के बारे में। तुम फिक्र मत करो, लेकिन मेरी बात याद है ना? जी अम्मी। अच्छा, वो मनाहिल का फोन आया था तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मुझे क्यों फोन करेगी वो भला? मेरी तो उससे बातचीत ही नहीं। जो होना था हो गया, अब किस्मत में ही नहीं था तो क्या शिकवा करें। जब मनाहिल का रिश्ता मंजूर नहीं था तो भाई साफ साफ मना कर देते, खामखाई उम्मीद दिलाई हमें। ठीक कह रहे हैं आप, हमें इस तरह चुप करके बैठे नहीं रहना चाहिए। क्या चाहते हैं? क्या हम उनसे लड़ेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि अगर हमें पता चल ही गया है तो क्यों ना हम खुद राबिया और हराम के रिश्ते की मुबारकबाद दें। इस तरह कम से कम हम ये तो साबित कर सकते हैं कि उनकी इस हरकत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा करते हैं कि कल ही हम उनके घर होके आते हैं। तो मेरे दिल और मेरी सांसों में बसती हो। अब खुद सोचो कि क्या इंसान सांसों के बगैर जी सकता है। मुझे तुम्हारी यही बातें बहुत अच्छी लगती हैं। रिफ़त आपा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सुनकर बहुत खुशी हुई। हमें तो जैसे ही पता चला, हमने कहा भाई मौका मिलते ही आपको मुबारकबाद दे आए। किस बात की मुबारकबाद? क्या पता चला आपको? वही अरहाम और राबिया के रिश्ते का। आपने राबिया का हाथ मांगा है ना? क्या